कांवड़ यात्रा शुरू होते ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसकी तैयारियों के लिए गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना ने शामली में अधिकारियों के साथ बैठक की और कांवड़ यात्रा में सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही यात्रा के दौरान बिजली कटौती करने पर अधिकारियों के ऊपर जमकर विफरे। बड़ी धार्मिक यात्रा, हमारा सौभाग्य है कि कांवड़ यात्रा हमारे जनपद शामली से भी होकर गुजरती है और हमारे प्रदेश से होकर के गुजरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी के साथ तमाम व्यवस्थाओं का स्वयं मॉनिटरिंग की है और लगातार वो इस पूरी यात्रा के लिए तमाम दिशा निर्देश देते हैं, देते रहे हैं। और उनकी प्राथमिकता में है कि जितने भी कांवड़िए इस दौर से गुजरेंगे उन तमाम लोगों को सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके तमाम सड़क, बिजली, पानी, जो भी आवश्यकता हो उन तमाम आवश्यकताओं को प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पूरा किया जाए। और उसी की समीक्षा के लिए यहाँ शामली एक कलेक्ट्रेट सभागार में हम सब लोगों ने उसकी समीक्षा की है। हमारे जिले के तमाम आला अफसर यहाँ मौजूद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पूरी संजीदगी के साथ प्रशासन ने भरपूर तैयारी की है। साथ ही बैठक में मंत्री ने टूटी सड़कों को लेकर PWD विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दो दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की चेतावनी दी। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। शामली से सरफराज, पंजाब केसरी TV।